कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक होंगे? तो आज बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और आज का वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा है। सुबह के 10 बज रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में। बाकी सारे बच्चे सो रहे, तो मैंने कहा मैं अपने लिए चाय बना लेती तो मैं हूँ। सुबह का नाश्ता नहीं करती, मैं एक कप चाय पीती हूँ। तो यहाँ पे मैं चाय में पत्ती डालूँगी, और मुझे ज़्यादा पत्ती पसंद है, कम पत्ती मुझे नहीं पसंद। चीनी मैं कम लेती हूँ और पत्ती मैं थोड़ा सा ज़्यादा लेती हूँ। तो चाय से पहले मैं अलसी लेती हूँ, अलसी ले लेती हूँ आधा चम्मच, थोड़ा सी नीम गर्म पानी के साथ। और अलसी मैंने यहाँ पे ले लिया था, एक चम्मच मैंने अलसी ले लिया था। और अलसी के बाद मैं चाय पीती हूँ। आज हम लोगों का वेदर बहुत खूबसूरत है। क्वेटा में सर्दी बहुत ज़्यादा है और कल रात से बहुत ज़्यादा बारिश है। आज तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकली, आज तो बादल ही बादल है। तो यहाँ पे चाय में बॉल आ चुका था, तो उसको अच्छी तरह से डार्क करके फिर हम लोग चाय पियेंगे। तो यहाँ पे मेरी एक कप चाय बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। और तो चलते हैं, चाय को एंजॉय करते हैं बारिश के साथ। बारिश की बूंदें अभी भी टपक रही हैं। बहुत खूबसूरत और प्यारा वेदर है आज तो। यहाँ पे 11:47 हो रहे थे, तो मैं किचन में आ गई थी। आटा मैंने गूंद लिया है और पानी मैंने चढ़ा दिया है। अपने हस्बैंड के लिए मैं सूप बनाऊंगी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और बच्चों के लिए मैं मटर कीमा बनाऊंगी। तो अभी हम करते हैं दोपहर की खाने की यहाँ पे पानी तैयारी। बॉयल हो रहा था, उसमें मैंने चिकन डाल दिया है। चिकन अच्छी तरह से गल जाए तो उसमें मैं सूप बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने गाजरों को अच्छी तरह से काट लिया था और शिमला मिर्च भी मैंने काट लिया है। चिकन हमारा बॉयल हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने प्याज भी काट लिए थे और लहसुन भी कूट लिए थे अवंग दस्ते में। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ कीमा मटर, जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ही आसान बनता है। तो यहाँ पे कीमा के लिए प्याज फ्राई हो रहे थे, मैं ज़्यादा प्याज नहीं फ्राई करती कीमा के लिए, फिर कीमा अजीब सी काली सी बन जाती। मैं कीमा के लिए कभी भी प्याज ज़्यादा फ्राई नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर और लहसुन को डाल दिया है एक साथ सारे, तो उसको मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी और सारे मसाले शामिल कर लूँगी। और उसके बाद मैं इसमें कीमा शामिल, और यहाँ पे मैंने इसमें कीमा भी शामिल कर दिए, नमक और मिर्चें भी शामिल कर ली। इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। आज बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और बहुत ज़्यादा सर्दी है क्वेटा में, तो आज का वेदर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ही ज़्यादा सर्दी है। तो सर्दियों में हम लोग सूप खाना पसंद करते हैं, और सूप और कीमा मैं बनाऊंगी आज। तो यहाँ पे कीमा को मैंने प्रेशर कुकर को चलाना है 20 से 25 मिनट। कीमा की हम लोगों की पूरी तैयारी हो चुकी है। तो यहाँ पे सूप में मैंने चिकन और शिमला मिर्च, गाजर, ऑलिव्स डाले, ग्रीन ऑलिव्स भी डाले हैं, ब्लैक ऑलिव्स भी डाले हैं। तो यहाँ पे जो चिकन कारण सूप था वो तैयार हो चुका है, अभी मैं इसमें डालने जा रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों का मज़ेदार सा जो सूप था वो तैयार हो चुका था। तो यहाँ पे 5-6 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर ले लिया था। आज बहुत तो ज़्यादा सर्दी है और सर्दी की वजह से हम लोगों की आज बिजली भी नहीं है, तो इस वजह से जनरेटर चलाना पड़ा। जनरेटर की तो फिर इतनी तेज़ आवाज़ है जो दिमाग में लगती है। तो यहाँ पे हम लोगों का जो सूप था वो तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोगों का जो सूप था वो भी तैयार हो चुका है और कीमा भी तैयार हो गया है। कीमा यहाँ पे तैयार हो चुका था, तो मैंने थोड़ा से आलू और मटर डालने थे कीमा में। 5 से 6 मिनट में इस पर और भी प्रेशर कुकर चलाऊंगी। तो यहाँ पे जो सूप था वो बिल्कुल तैयार हो चुका था, तो सूप को मैं सर्व करने जा रही हूँ। और आज का ब्लॉग हम यहीं पे अल्लाह हाफिज़ करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।